हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ टू अप्लाई फ़ॉर एडमिशन इन डी यानी डेली यूनिवर्सिटी तो मैं जिस कंटेक्सट में इस वीडियो में बात करूंगी वो है कॉमर्स फील्ड में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं तो अगर हम कॉमर्स फील्ड की बात करें तो आप उसमें या तो बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या तो बी ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट अगर आप बी कॉम या बी कॉम ऑनर्स करने की सोच रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो उनका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप बी कॉम या बी कॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो पहली चीज़ वो मेरिट बेसिस पर होती है यानी आपकी जो भी ट्वेल्थ में परसेंटेज आई होगी आप उसके बेसिस पर कट ऑफ्स आएंगी ठीक है कट ऑफ्स में अगर आपकी ट्वेल्थ की कोई भी परसेंटेज किसी कॉलेज से मैच होती है तो आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं बट वो बी कॉम या बी काम ऑनर्स के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाते हैं दे आर ओनली रन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट तो आपकी ट्वेल्थ की परसेंटेज ही आपके लिए डिपेंड करती है वो टॉप फोर सब्जेक्ट्स लेते हैं उनकी परसेंटेज निकालते हैं और उसके बेसिस पर आपकी कट ऑफ से परसेंटेज मैच करी जाती है अब वो है अगर आप स्पेसिफिकली बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना चाहते हैं तो उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया ये कहता है कि आपकी ट्वेल्थ में मैथ्स होना इज़ अ कंपल्शन अगर ट्वेल्थ में आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सिंस इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज सो इट हैज़ एन एलिजिबिलिटी तो आप उसके अंडर नहीं कर सकते ऑनर्स अगर आपने ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं पढ़ी है तो ऐसा नहीं है कि और कोई कॉलेज मतलब नहीं देते हैं बिना मैथ्स के ऑनर्स बहुत से कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है कि बिना मैथ्स के उसमें आप ऑनर्स नहीं कर सकते बट अगर आपने मैथ्स नहीं करी तो आप क्या कर सकते हैं आप वहाँ से बी काम प्रोग्राम या नॉर्मल बी कॉम कर सकते हैं उसके बाद वो अलग अलग कट ऑफ्स निकलती हैं अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पर कैटेगरीज कैसे आती हैं जैसे जनरल कैटेगरी हो गई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओ बी सी इन सब की कट ऑफ्स के लिए परसेंटेज अलग अलग ऑफ़र करता है हर कॉलेज अब कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो सिख स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन देते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पंजाबी या प्रॉपर सिख हैं तो कुछ कॉलेज उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव परसेंट कट ऑफ में कंसेशन ऑफ़र करते हैं तो ऐसे डिपेंड करता है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज हर कॉलेज ये कंसेशन ऑफ़र नहीं करता बहुत कम कॉलेज ये चीज़ ऑफ़र करते हैं बट उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास एक वैलिडेशन आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि येस यू ये आर एस एक् तो वो आपको कंसेशन ऑफ़र करते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो कंसेशन ऑफ़र करते हैं गर्ल्स के लिए मोस्टली ये उन कॉलेज़ में होता है जो कोएट कॉलेज होते हैं गर्ल्स कॉलेज में ऐसा कंसेशन ऑफ़र नहीं करते एज़ पर माई नॉलेज बट कोट कॉलेजेज़ में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल uh, कोई कॉलेज वन परसेंट कोई कॉलेज टू परसेंट सब अपनी मर्जी से अपने हिसाब से गर्ल्स के लिए कुछ कंसेशन कट ऑफ़ में ऑफ़र करते हैं और ये भी चीज़ हर कॉलेज ऑफर नहीं करता सो इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज उसके बाद अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कैसे करेंगे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी उनका प्रॉस्पेक्ट देखना है डिपार्टमेंट्स देखने हैं कोर्सेज देखने हैं या आप देखना चाहते हैं कि कितने कॉलेजेस हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन डी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ले सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो या आप गूगल पे डेली यूनिवर्सिटी एडमिशन डाल सकते हैं तो भी आप वहाँ जा सकते हैं डी के लिंक के थ्रू अदरवाइज़ ये मैंने यहाँ लिंक दिया है और ये दोनों लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी तो अगर आपको वहाँ से जाना है तो इट विल बी ईजी फॉर यू आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पर क्लिक करना है आपके सामने उनका रजिस्ट्रेशन पेज अपेयर होगा आपको सारी डिटेल्स फ़ोन नंबर ई मेल एड्रेस पासवर्ड सब डालकर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप सीधे लॉग इन कर सकते हैं और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तब ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा तो अपने ईमेल और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद एक्चुअल डी का जो एडमिशन फॉर्म है वो आपके सामने अपेयर हो जाएगा फिर उसमें आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे वो एट टोटल कॉलम्स देंगे आपको डिटेल्स फिल करने के लिए और आप अगर फर्स्ट कॉलम की डिटेल नहीं फिल कर सकते या नहीं करते तब तक आप सेकेंड पर नहीं जा सकते तो इट्स नेसेसरी फॉर यू इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप बाई स्टेप ही वो सब फ़िल करें सेवन तक में आपको डिटेल्स फिल करनी होती है एंड एट इज़ द पेमेंट ऑप्शन पेमेंट ऑप्शन में वो आपके एडमिशन फॉर्म की फ़ीस लेते हैं एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हंड्रेड परसेंट श्योर है कि आपका एडमिशन हो गया बस ये है कि आप डी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए रजिस्टर हो चुके हैं उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ देता है उसके हिसाब से आपको मैच करना होता है कि आपकी परसेंटेज किस कॉलेज से मैच कर रही है और अगर आपकी किसी भी कॉलेज से डी के मैच करती है तो आप उस कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं और रेलिवेंस के लिए मैं एक और क्लिप आगे ऐड कर दूँगी तो आपके लिए समझने में थोड़ा ईजी रहेगा